वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी मुख्यमंत्री को कोरोना का टीका लगेगा। दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वैक्सीन लगाया जाएगा। वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है, दूसरे फेज में सभी को वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा जो भी 50 साल के ऊपर होंगे। ऐसे में सभी सांसद और विधायक जो 50 के ऊपर है उनको दूसरे चरण में कोरोना का वैक्सीन दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश में अभी कोरोना वैक्सीनेशन का पहला फेज चल रहा है, जिसके तहत 7 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके का पहले डोज दिया जा चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों की टीकाकरण के बाद दूसरे फेज शुरू होगा। दूसरे फेज में सेना, अर्धसैनिक बलों के जवानों और 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिया जाएगा। हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि दूसरा फेज कब से शुरू होगा, लेकिन दूसरे फेज की गाइडलाइन तय है। इस फेज में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों समेत कई वीवीआईपी को टीका लगेगा, क्योंकि सबकी उम्र 50 से अधिक है। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि किस सेशन में कौन सी वैक्सीन दी जानी है, ये पूरी तरह से राज्य सरकार पर निर्भर है। अभी तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य हैं जहां लक्ष्य को तेजी से पूरा किया जा रहा है। वहीं दिल्ली, पंजाब समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां स्वास्थ्य कर्मी अभी टीका लगाने से बच रहे हैं। ऐसे कर्मियों की अब काउंसलिंग की जाएगी। भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इसके अलावा 4 वैक्सीन पर काम चल रहा है और बीते दिन ही एक नेसल वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मिली थी। अगर भारत में कोरोना वायरस के असर को देखा जाए तो अब ये कम होता जा रहा है। करीब 8 महीने के बाद मौत का आंकड़ा कम हुआ है।